इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। दिनांक 17/11/19 को वैशाली नगर अजमेर निवासी सलीम पुत्र अब्दुल रहमान ने आकर अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रकरण संख्या 142 धारा 379 में दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। क्योंकि यह प्रकरण अज्ञात मुलजिम के खिलाफ दर्ज करवाया था, इसलिए अज्ञात मुलजिम की तलाश हेतु श्रीमान SP साहब GRP अजमेर, एडिशनल SP साहब और हमारे थानाधिकारी महोदय सुशीला बिश्नोई जी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। टीम में श्री मनोज कुमार जी SI, श्री गिरधारी सिंह जी हेड कांस्टेबल, सुमेर चंद जी, मान सिंह जी, दिलीप सिंह और मोहनलाल जी को मनोनीत किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा अज्ञात मुलजिम और माल की तलाश की गई। तलाश के दौरान आज दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल परबसर रूपनगढ़ में बेचने की फिराक में घूम रहा है। उच्च इतला के अनुसार मैं टीम वहाँ पहुँचे, परबसर से इस आरोपी को मैं मोटरसाइकिल के पकड़ा जाकर मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपी की तलाशी के दौरान इसमें उसके पास 3 मोबाइल मिले, जिनके बारे में ये संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया, जिन्हें 102 में जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने ये बताया है कि ये जो अपने स्टेशन दरगाह से जो मोबाइल चोरी किए जाते हैं वो इनको खरीदता है, इनके पार्ट्स निकाल कर जो अपनी पड़ाव के आसपास की जो दुकानें जब उनको वहाँ जाके रिपेयरिंग की दुकानों में बेचता है, वहाँ से फिर इसको बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। नाम क्या है इसका? नाम है सर चेतन, पिताजी का नाम है कैलाश चंद, परबसर नागौर का रहने वाला है। सर आपका नाम? दिलीप सिंह, GRP थाना अजमेर, कांस्टेबल 548। सर